जी देखिए, अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या क्या खबरें मिली हैं कि बाराबंकी में मेरा अस्पताल था और क्या क्या था, तो मैं बाराबंकी से तो मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ, मुख्तार अंसारी हम लोगों के विधायक हैं और कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज़ साइन किए थे, लेकिन ये बहुत पुराना विषय है और उसके बाद हमें उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, जब तक आप लोगों ने मेरे संज्ञान में नहीं डाला। तो अब इसके बारे में मुझे भी जानकारी कर लेने दीजिए कि स्टेटस क्या है। लेकिन एक ये कोई प्रकरण काफ़ी साल पहले की है, 2013 की बात जो आप ये 2013 में 2009 के बाद की घटना है। तो उन्होंने कागज प्रोवाइड कराया था और आप लोगों ने इस पे सिग्नेचर किया। हाँ, मेरे भाई ने उसके ऊपर एज अ डायरेक्टर, नहीं मेरे नाम पे नहीं है, हॉस्पिटल के नाम जी। वो ऐसा हम लोगों को था कि हाँ भाई, हमारे हॉस्पिटल के नाम पे वो एम्बुलेंस अपने लिए वो खरीद रहे हैं, तो ऐसा हमारे संज्ञान में था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं। लेकिन आज उस एम्बुलेंस को लेकर के मामला गर्म हो गया कि उसी एम्बुलेंस से उनको लाया जा रहा था। ये आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाई है बात, अब इसके बारे में जानकारी मैं भी कर लूँ तो मुझे कुछ समय मिलेगा तो इसके जड़ तक मैं भी पहुँचूंगी कि ये क्या मामला है और कैसा है। मैम, इसमें आप बीजेपी में किस पद पे हैं? मैं क्षेत्रीय महामंत्री हूँ गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा की। महिला अस्पताल में डॉक्टर हैं जी, महिला अस्पताल के डॉक्टर हूँ।